Hello dear students, today's lecture is about perception of size, shape and depth. आज के इस लेक्चर में हम साइज शेप और डेप्थ के परसेप्शन के बारे में बात करेंगे. विजुअल फील्ड या सरफेस उसे कहा जाता है जिसमें हमारे एनवायरमेंट में मौजूद विभिन्न चीजें एग्जिस्ट करती हैं और मूव करती हैं. और ऐसा स्पेस जिसमें हम विभिन्न ऑब्जेक्ट्स को थ्री डायमेंशन में देख सकते हैं. हम किन्हीं भी चीजों को सिर्फ टू डायमेंशन में ही नहीं देखते हैं बल्कि थ्री डायमेंशन में परसीव करते हैं. और जब भी हम किसी चीज को थ्री डायमेंशन में परसीव करते हैं तो मेनली तीन तरह की स्पेशल एट्रीब्यूट्स को हम देखते हैं, साइड, शेप और डायरेक्शन. डेप्थ परसेप्शन हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जब भी हम किसी चीज को थ्री डायमेंशनल व्यू में देखते हैं या किसी चीज का थ्री डायमेंशनल व्यू देखते हैं तो उसको डेप्थ परसेप्शन कहा जाता है या डिस्टेंस परसेप्शन के नाम से भी जाना जाता है. तो मेनली डेप्थ परसेप्शन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है या दो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं डेप्थ परसेप्शन के अंदर जिनको क्यूज कहा जाता है. तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही क्यूज कहलाते हैं जिनके जरिए हम डेप्थ परसेप्शन कर पाते हैं या विभिन्न चीजों को थ्री डायमेंशनल व्यू में देख पाते हैं. इन क्यूज को बाइनोक्यूलर क्यूज और मोनोक्यूलर क्यूज कहा जाता है. बाइनोक्यूलर क्यूज ऐसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डेप्थ परसेप्शन के लिए दोनों आंखों का इस्तेमाल करते हैं या दोनों आंखों के जरिए हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्री डायमेंशनल व्यू में देखते हैं तो उसको बाइनोक्यूलर क्यूज कहा जाता है. वहीं जब हम डेप्थ परसेप्शन के लिए सिर्फ एक आंख का इस्तेमाल करते हैं तो उसको मोनोक्यूलर क्यूज कहा जाता है. तो सबसे पहले हम मोनोक्यूलर क्यूज के बारे में बात करेंगे. मोनोक्यूलर क्यूज को साइकोलॉजिकल क्यूज के नाम से भी जाना जाता है. मोनोक्यूलर क्यूज डेप्थ परसेप्शन में तभी इफेक्टिव होते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक आंख से देख रहे होते हैं और एक आंख के सहारे ही उसका थ्री डायमेंशनल व्यू देख रहे होते हैं. मोनोक्यूलर क्यूज या साइकोलॉजिकल क्यूज ज्यादातर आर्टिस्ट द्वारा यूज किए जाते हैं. टू डायमेंशनल पेंटिंग्स में डेप्थ डालने के लिए आर्टिस्ट ज्यादातर यूज करते हैं. मोनोक्यूलर क्यूज को पिक्टोरियल क्यूज के नाम से भी जाना जाता है. तो अब मोनोक्यूलर क्यूज के अंदर डिफरेंट क्यूज दिए गए हैं वो हम देखते हैं. मोनोक्यूलर क्यूज के अंदर पहला क्यू है रिलेटिव साइज. The size of retinal image allows us to judge distance based on our past and present experience with similar object. तो हमारी retinal image का size हमें किसी भी object के distance को judge करने में help करता है. तो जब भी हम किसी चीज के distance के जरिए उसके size का अनुमान लगाते हैं तो उसमें हमारे past experience और present experience भी हमारी help करते हैं. जैसे जैसे कोई वस्तु हमसे दूर जाती जाती है तो रेटिनल इमेज छोटी होती जाती है और जैसे जैसे कोई वस्तु हमारे पास आती जाएगी तो रेटिनल इमेज बड़ी होती जाती है. कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा हमसे दूर होगा वो उतना ही ज्यादा छोटा दिखाई देगा या हम उसको छोटा परसीव करेंगे और कोई ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा पास आएगा हम उसको उतना ही बड़ा परसीव करेंगे या उसका साइज हमें बड़ा दिखाई देगा. सेकेंड मोनोक्यूलर क्यू है इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग. इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग क्यू के अकॉर्डिंग जब किसी एक वस्तु का कुछ भाग दूसरी वस्तु के द्वारा ढक दिया जाता है तो उसको इंटरपोजिशन या ओवरलैपिंग कहा जाता है. तो ओवरलैपिंग या इंटरपोजिशन में जो ओवरलैप्ड वस्तु होती है यानी जो ढकी हुई वस्तु होती है वो ज्यादा दूर दिखाई देती है और जिस वस्तु से उसको ढका गया है वो ज्यादा पास दिखाई देती है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक टेबल पर दो बुक्स रखी हैं तो ऊपर जो बुक रखी है
वो हमें ज्यादा पास दिखाई देगी और उसके नीचे जो बुक ढकी हुई है वो हमें कंपैरेटिवली दूर दिखाई देगी, जबकि डिस्टेंस दोनों का बिल्कुल ही सेम होता है। नेक्स्ट मोनोक्यूलर क्यू है लीनियर प्रस्पेक्टिव। लीनियर प्रस्पेक्टिव एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें दो चीजें जो कि पैरेलल हैं वो जैसे जैसे हमसे दूर जाती जाएंगी वैसे ही हमें पास आती हुई नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक्स या पैरेलल लाइंस, ये इसका एग्जाम्पल है। अगर आप रेलवे ट्रैक को ध्यान से देखेंगे तो हालांकि वो दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पर रहती हैं, लेकिन जब हम पास से देखते हैं तो उन दोनों में डिस्टेंस जितना होता है उतना ही हमें दिखाई देता है, लेकिन जितना हम दूर देखेंगे वो ऐसी लगती है कि दोनों पास आती जा रही है और एक पॉइंट पर आकर मिलती हुई भी दिखाई देती है। तो इसी फिनोमिना को लीनियर पर्सपेक्टिव कहा जाता है। नेक्स्ट मोनोक्यूलर क्यू है एरियल पर्सपेक्टिव। एरियल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हवा में बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं जिनमें मेनली डस्ट और मॉइस्चर रहता है, और जो दूर की चीजों को ब्लर कर देते हैं या हेजी कर देते हैं, इसी इफेक्ट को एरियल पर्सपेक्टिव कहा जाता है। जैसे कि अगर हम दूर से पहाड़ों को देखेंगे तो वो हमें ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम पास जाकर देखते हैं तो उनका एटमोस्फेयर हमें क्लियर दिखाई देता है। यानी कि अगर हम दूर से किन्हीं चीजों को देखेंगे तो वो हमें धुंधली दिखाई देती है, और जैसे ही हम उसके क्लोज जाएंगे तो वो चीज हमें एकदम क्लियर दिखाई देगी। इसी को एरियल पर्सपेक्टिव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लाइट एंड शेड। लाइट एंड शेड मोनोक्यूलर क्यू के अकॉर्डिंग कोई भी चीज जो ज्यादा हाईलाइटेड होती है वो हमें ज्यादा पास दिखाई देती है, और जो चीज छाया में होती है या हाईलाइटेड नहीं होती या शेडो जिसके ऊपर पड़ा होता है वो चीज हमें दूर दिखाई देती है। नेक्स्ट मोनोक्यूलर क्यू है रिलेटिव हाइट। रिलेटिव हाइट मोनोक्यूलर क्यू के अकॉर्डिंग larger object are perceived as being closer to the viewer and smaller object are being further away. yani ki jis object ki height jitni zyada hogi wo utna hi pass dikhai dega aur jiski height jitna kam hogi wo utna hi dur pratit hota hai hame. jaise ki koi bhi same size ke do object hain lekin unko alag alag jagah par rakh diya gaya alag alag distance par rakh diya gaya hai to jo cheez pass hogi same size ki wo hame ज्यादा बड़ी दिखाई देगी, और जो चीज दूर होगी वो हमें कंपैरेटिवली स्मॉल दिखाई देगी। नेक्स्ट है टेक्सचर ग्रेडियंट। टेक्सचर ग्रेडियंट मोनोक्यूलर क्यू के अकॉर्डिंग कोई भी चीज को पास से देखने पर उसका टेक्सचर ज्यादा खुरदरा दिखाई देता है, और जैसे जैसे वो वस्तु हमसे दूर चली जाती है या हम उसे दूर से देखते हैं तो वो टेक्सचर ज्यादा स्मूथ दिखाई देता है। जैसे यहाँ ये एग्जाम्पल, ये पिक्चर अगर आप देखेंगे तो इस दीवार में पास से देखने पर ईंटों का टेक्सचर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे ये दीवार का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये टेक्सचर धुंधला होता जा रहा है और ज्यादा स्मूथ दिखाई दे रहा है। तो यही टेक्सचर ग्रेडियंट मोनोक्यूलर क्यू कहलाता है। नेक्स्ट है मोशन पैरेलेक्स। मोशन पैरेलेक्स को काइनेटिक मोनोक्यूलर क्यू के नाम से जाना जाता है, हालांकि इसको पिक्टोरियल क्यू नहीं माना जाता है। मोशन पैरेलेक्स किसी भी वस्तु में तब आता है जब कोई वस्तु डिफरेंट डिस्टेंस पर मूव कर रही होती है, यानी कि उस वस्तु की स्पीड और डिस्टेंस अलग अलग होता है। The distance object appear to move slowly than the object that are close. यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्लोज हैं वो हमें तेज गति से मोशन में दिखाई देंगे, तेज गति से चलते हुए दिखाई देंगे, जबकि जो ऑब्जेक्ट हमसे दूर हैं वो हमें स्लो मोशन में दिखाई देंगे।
और कई बार जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो जो स्थिर चीजें होती हैं वो हमें उल्टी दिशा में चलती हुई दिखाई देती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, कार में या बस में बैठे हैं और आप अगर ट्रीज की तरफ देखेंगे तो वो आपको अपनी कार या बस से अपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई दिखाई देंगी और फास्ट चलती हुई दिखाई देंगी। तो इसी को मोशन पैरेलैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है बायनोक्यूलर क्यूज। बायनोक्यूलर क्यूज को फिजियोलॉजिकल क्यूज के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जब हम हमारी दोनों आंखों का इस्तेमाल करके डेप्थ परसेप्शन करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के थ्री डायमेंशनल व्यू को देखने की कोशिश करते हैं, तो उसको बायनोक्यूलर क्यूज या फिजियोलॉजिकल क्यूज के नाम से जाना जाता है। तो बायनोक्यूलर क्यूज के अंदर भी डिफरेंट क्यूज बताए गए हैं यहाँ। तो पहला बायनोक्यूलर क्यू है रेटिनल और रेटिनल डिस्पैरिटी और बायनोक्यूलर डिस्पैरिटी। रेटिनल डिस्पैरिटी जब होता है जब हमारी दोनों, क्योंकि हमारी आंखों के रेटिना के ऊपर इमेज अलग अलग बनती है, तो जब आंखों के रेटिना की इमेज में डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से रेटिनल डिस्पैरिटी या बायनोक्यूलर डिस्पैरिटी बायनोक्यूलर क्यू होता है। रेटिनल डिस्पैरिटी का मेन रीजन है क्योंकि हमारी आंखें डिफरेंट लोकेशन में होती है, हमारी दोनों आंखों की लोकेशन अलग होती है और दोनों आंखें हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से अलग अलग रहती हैं। दोनों आंखों के बीच में 6.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहता है और इस डिस्टेंस की वजह से हर एक आंख के रेटिना पर सेम ऑब्जेक्ट की इमेज थोड़ा सा अलग अलग बनती है, यानी दोनों रेटिना के ऊपर सेम ऑब्जेक्ट की इमेज सेम नहीं पाई जाती है। तो रेटिना पर बनी इन डिफरेंट रेटिनल इमेजेस को ही रेटिनल डिस्पैरिटी कहा जाता है। हमारा ब्रेन एक लार्ज इंटरनल डिस्पैरिटी की इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करता है कि वो वस्तु हमारे ज्यादा क्लोज है, और अगर रेटिनल डिस्पैरिटी स्मॉल है तो इसका मतलब है कि वो वस्तु दूर है। तो इसका मतलब है कि रेटिनल डिस्पैरिटी जितना ज्यादा कम होगी उतना ही वो वस्तु हमें ज्यादा दूर दिखाई देगी, और रेटिनल डिस्पैरिटी जितना ज्यादा होगी उतना ही वस्तु हमें पास दिखाई देगी। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस बायनोक्यूलर क्यू के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हमारी दोनों आंखों से देखते हैं तो हमारी आंखें अंदर की तरफ कन्वर्ज हो जाती हैं, और कन्वर्ज होकर हमारी आंख के फोविया के ऊपर इमेज बनाती हैं। आंखों में मौजूद एक मसल्स का ग्रुप ब्रेन को मैसेज भेजता है कि हमारी आंखें कन्वर्ज हो रही हैं, और ये मैसेज हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है और हम डेप्थ परसेप्शन कर लेते हैं। जैसे जैसे कोई वस्तु हमसे दूर जाती जाती है कन्वर्जेंस कम होता चला जाता है, और जैसे ही कोई वस्तु हमारी आंखों के पास आती है आंखों का ये कन्वर्जेंस ज्यादा बढ़ता चला जाता है। यानी कोई वस्तु जितनी ज्यादा हमारे पास आएगी आंखों में कन्वर्जेंस उतना ही ज्यादा होगा, और वस्तु के दूर जाने पर कन्वर्जेंस कम हो जाएगा। इसका एक्सपेरिमेंट आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आप अपनी आंखों के बीच में नाक के बिल्कुल सामने अगर उंगली रखेंगे और उसको जितना पास आप लेकर आएंगे अपनी आंखों के, उतना ही आपकी आंखें अंदर की तरफ यानी नोज की तरफ कन्वर्ज होती हुई दिखाई देंगी। तो ये कन्वर्जेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारी सिलरी मसल्स रेटिना के ऊपर इमेज बनने में हेल्प करती हैं। सिलरी मसल्स लेंस की थिकनेस को चेंज करती हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट पास या दूर जाता है उसके अकॉर्डिंग सिलरी मसल्स
लेंस की थिकनेस को चेंज करती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाएगा तो सिलरी मसल रिलैक्स हो जाती हैं, और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट पास आता है तो सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और लेंस की मोटाई बढ़ा देती हैं, और ऑब्जेक्ट के दूर जाने पर लेंस की मोटाई को कम कर देती हैं। और सिलरी मसल्स के द्वारा ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है और हमें बाइनोक्यूलर क्यू के माध्यम से डेप्थ परसेप्शन हो जाता है। तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच।